बागेश्वर धाम से गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट डालने के लिए आ चुके गड़ा में और हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, भारत का लोग, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पहले मतदान बाद में जलपान और हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है, इस लोकतंत्र की पद्धति को स्वीकार किया है, तो देश को मजबूत करने के लिए प्रत्येक भारतीय, जागरूक भारतीय होने के नाते जिन्हें भी वोट डालने का अधिकार है उनको वोट अवश्य देना चाहिए। आपने वोट डालने की अपील भी की है? बिल्कुल, हमने डाली भी है, अपील किया हमने तो डाली है सर। पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी और उसके बाद एक ये कहा जा रहा कि हमको बहुत से प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारियों ने बताया, हमें जानकारी लगी, उन्होंने कहा कि आप कुछ इसके लिए अवश्य बोलें, तो हमने बेझिझक इसी के लिए बहुत बार बोला है और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं कि भारत को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अवश्य वोट डालें। सनातन धर्म की बात आती है, ये बात भी आ रही कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स कम निकले हैं इस बार। हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदू वोटर्स कम निकले हैं, पर सनातन के लिए और राम के लिए और कृष्ण के लिए ये तो बहुत ठीक है, बहुत जरूरी है निकलना बाहर। वैसे भी थोड़ा मोड़ा सो तो रही है, उन्हें जगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कुछ। एक बात उठी कि जो सनातन पर सवाल उठते हैं बार बार और कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं वो भी सनातन विरोधी बयान भी कुछ सामने आ रहे हैं। भारत राम का राष्ट्र है, भारत कृष्ण का राष्ट्र है, भारत महावीर, बुद्ध, मीरा, सूरदास, रसखान, रैदास, इनका राष्ट्र है और इस राष्ट्र में अब तक जितना चल गया सो चल गया। अब भारत का हिंदू जागा हुआ है, अब अगर आगे भूल होगी तो ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। ठटरी बांधेगी इस बार निश्चित है। जय श्या राम। तो देखिए, ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बता रहे हैं कि ये हिंदू सनातन राष्ट्र है और वोटर्स घर से भी निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, गड़ा।